घटना हुई है सर, क्यों रोका गया है आपको? देखिए, घटना तो कल हुई है, जो मनोहरपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, उनके ऊपर कल हमला हुआ। उनके दो अंगरक्षक मारे गए, एक बुरी तरह से घायल, उनके सारे हथियार को ले गए। कल ही हमने एसपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। एसपी को हमने मैसेज भी दिया, फिर भी कोई रिंग बैक नहीं। कल ही हमने तय कर लिया, विधायक से बात हुई, विधायक रो रहे थे, डरे सहमे हुए थे। हमने कहा कि कल मैं आ रहा हूँ, और कल ही हमने प्रोग्राम भी भेज दिया था। और आज जब हम चक्करधरपुर से सोनवा की ओर हम मुड़े, चक्करधरपुर थाना के पास से पुलिस ने रोक दिया। यहाँ के डीएसपी खड़े हो गए कि आगे जाने नहीं देंगे। हमने उसे कारण क्या है, कारण कुछ नहीं बता सकता है, बोला कि उस सुरक्षा कारणों से उधर सुरक्षित नहीं। हमारे डीजी से भी बात हुई, डीजी को मैंने कहा कि भाई कल से मैं कोशिश कर रहा था, बात नहीं हो पा रही, आखिर कारण क्या है और आज जाने नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि चक्करधरपुर से जो पश्चिम की ओर जंगल है, वहाँ झारखंड सरकार काम नहीं कर रही, वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है, वहाँ झारखंड की पुलिस वहाँ काम नहीं कर रही, वहाँ लगता है उग्रवादियों के हाथों ही पूरी शासन व्यवस्था है, उन्हीं के रहमो करम पर उधर लोग जा सकते, उधर लोग आ सकते हैं। तो ये तो अब स्पष्ट हो चुका, जिन बातों को हम बार बार कहते थे कि राज्य में अब उग्रवाद हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद लगातार बढ़ रही है, और अब तो आप चरितार्थ हो गए। अब देख, अगर हमारे जैसा व्यक्ति जा नहीं सकता है मुख्य सड़क पर, तो फिर सर्वसाधारण लोग उस जंगल में किस प्रकार से रहते हो? तो बाकी वहाँ के लोग तो समझिए कि उग्रवाद के रहमो करम पर ही लोग रह रहे होंगे। तो ये हालत है राज्य की। तो आज तो स्पष्ट हो गया कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार है, जनता को सुरक्षा देने में बुरी तरह से विफल है, सबसे कमजोर सरकार जिसको कह सकते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। और इसलिए हम यहाँ बैठे हुए, हमने कहा कि हम तो जाना है वहाँ पर। आगे की रणनीति क्या होगी सर? हम बैठे हैं कि वहाँ जाना है, उनके परिवार से जाना है। हमने कहा कि आपको सुरक्षा देना है, अच्छी बात है, आपको लगता है नहीं तो हम लिख करके देते थे, हमको मत दो सुरक्षा, हम चले जाएंगे ऐसे ही। ऐसा हम पहले भी घूमते रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पहली दफ़ा कोई हम घूम रहे हैं सर। झारखंड में आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, विकास ध्वस्त है, और कानून व्यवस्था के बारे में तो कहा जाए कि हर दिन एक विकृत इतिहास रचने का काम कर रही है सरकार। आज सिमडेगा में जिस प्रकार की घटना घटी है, इससे साफ है कि जंगल राज की आहट नहीं बल्कि जंगल राज आ चुका है, और राज्य की सरकार और सत्ता पोस्टर और होर्डिंग में अपना चेहरा चमकाने में व्यस्त है। बहुत ही दुखद घटना घटी है और राज्य की सरकार मौन धारण की हुई है।